ठीक है ना, ध्यान देना बेटा। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अभी तक, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल के बारे में, ठीक है ना। और हमने सेल के बारे में बताया था कि सेल जो होता है ना, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है बेटा। ये असल में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। जिंदगी का सबसे आधारभूत संरचना है, या आधारभूत जो स्ट्रक्चर है, इकाई जो है, उसके रूप में जाना जाता है। फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या है? तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, संरचनात्मक इकाई भी है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट भी है, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सेल है, बेसिकली ये दो तरीके का हमारा है, वैसे तो होता तीन तरीके का, लेकिन बेसिकली हम लोग उसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, और जो दूसरा है हमारा वो है यूकैरियोटिक्स। ओके, यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है वो एडवांस है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है यूकैरियोटिक सेल एडवांस होता है, ठीक है ना। असल में हुआ क्या, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना है इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, और उस प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। और जब यूकैरियोटिक सेल बन गए, तो बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल साथ में एक साथ जमा होकर के काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और जब एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया जमा होकर के, तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग विशेष नाम से जानने लगे, इसको हम लोग टिश्यू के नाम से जानते, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे टिश्यू क्या है या उत्तक क्या है, तो आप क्या बोलने वाले हैं? आप बोलने वाले हैं ग्रुप ऑफ सेल जो किसी पार्टिकुलर काम को करने वाला हो, ठीक है ना। उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं टिश्यू, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन में क्या हुआ है? टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे सेल एक साथ जमा होकर के और काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंगली तुम क्या देखोगे, टिश्यू जनरली हम लोग दो तरीके का पढ़ने वाले हैं अपने बायोलॉजी में। कौन कौन सा? एक तो हम लोग प्लांट वाला टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, प्लांट का टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट वन इज एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। हम लोग दो तरीके का टिश्यू पढ़ने वाले हैं, प्लांट टिश्यू एज वेल एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो चैप्टर नंबर हम लोग 6 में, आई थिंक, हाँ, चैप्टर नंबर 6 में प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। जबकि एनिमल टिश्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है उसमें, ठीक है ना। तो सेल के बारे बाद हम लोग, अच्छा होगा कि हम लोग टिश्यू के बारे में ही डिस्कस करें, ठीक है ना। और बेसिकली हम लोग एनिमल टिश्यू जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा करते हैं, हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए जी, हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हाँ रियाज, नया चैप्टर है बेटा, नया चैप्टर है इन एनिमल, ठीक है ना। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एकदम फ्रेश चैप्टर है, नया चैप्टर है, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ये चैप्टर का नाम है, हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना। ये है चैप्टर नंबर 7, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चैप्टर 7 ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ओके बेटा। ये है चैप्टर 7, ओके। तो चलिए बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टिश्यू के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और डिस्कस करते चलेंगे, ओके बेटा जी। हाँ रियाज, सेल कंप्लीट हो गया बेटा। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में सबसे पहले हम लोग टिश्यू को डिस्कस करते हैं, ओके बेटा। ध्यान दो, टिश्यू कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करें, ओके बेटा। हमने क्या डिस्कस किया, जो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल जो है आपस में जमा हो जाते हैं, ठीक है ना, और जमा होकर के एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी किसी पार्टिकुलर काम को स्टार्ट करेंगे करना हो। जैसे नहीं होता है, बहुत सारे मजदूर एक साथ जमा हो गए, घर को बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारा मजदूर जमा हो गया, गड्ढा को खोदना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या, सारे मजदूर एक साथ मिलकर के किसी विशेष काम को करें, ठीक है ना। और अगर विशेष काम को करेगा, तो उस पूरे मजदूर का समूह जो है
सेल का जो ग्रुप समूह है, उसका जो ग्रुप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है ना? तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको बेटा? सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग ये बोलेंगे, ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल ना। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में ये है कि ये ग्रुप ऑफ सेल है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सेल कैसा कैसा ग्रुप का, क्या ऐसा है कि वो अमेरिका से ले आएंगे आदमी को पकड़ के, एक आदमी को पकड़ के लेंगे हम लोग अफ्रीका से, एक आदमी को हम पकड़ के लेंगे चीन से और सबसे काम करवाएंगे? नहीं, ये जो सेल है ना, ये सेल कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबका संरचना लगभग में एक जैसा होना चाहिए, और एक जैसा संरचना तभी होगा जब एक ही पूर्ववर्ती सेल से ये बना हुआ हो। एक ही सेल डिवाइड करके 2 सेल में बदला हो, फिर वही सेल डिवाइड करके 4 सेल में बदला हो, फिर वही सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल में जमा हो गया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ इसका जो ओरिजिन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए इसका ना, इसका एक जैसा ओरिजिन होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है ना? सिमिलर ओरिजिन से ही काम नहीं चलेगा, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ठीक है ना? हालांकि कहीं कहीं पे अपवाद भी है, लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी, इस सारे सेल का संरचना भी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है बेटा? और केवल संरचना एक होने से काम नहीं चलने वाला है, सबका काम भी एक होना चाहिए, ठीक है ना? सबका काम भी एक जैसा होना चाहिए, फंक्शन भी एक जैसा होना चाहिए, ठीक है बेटा? तो अगर कहीं पे आपको कुछ ऐसे सेल खड़े हुए मिल गए जिनका सामान्य संरचना एक जैसा हो, काम भी एक जैसा हो, और उसके साथ साथ वो एक ही पूर्ववर्ती सेल से या एक ही जगह से उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे ना बेटा, उसी को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, इसको हम लोग बोलने वाले कि भैया ये हमारा क्या है, ये हमारा है टिश्यू, ठीक है ना? तब इसको बेटा जी हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, तब इसको हम लोग नाम देने वाले हैं टिश्यू। ओके बेटा, अगर ऐसा होगा तब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तब हम लोग इसको नाम देंगे भैया ये हमारा टिश्यू है, ठीक है ना? इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, टिश्यू, ठीक है बेटा? तो डिफाइन कैसे हम लोग करेंगे, डिफाइन करने का तरीका क्या है, हम लोग बोलेंगे क्या कि अ ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ग्रुप है, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना, जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सारे के सारे सिमिलर हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, उसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे, ठीक है बेटा? इंटरेस्टिंगली यही टिश्यू बहुत सारे आपस में जमा हो करके फिर से किसी पार्टिकुलर काम को करता है, तो उसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। मैं आप सीक्वेंस लिख देता हूँ, आगे हम लोग समझेंगे। बहुत सारे सेल आपस में मिलकर के टिश्यू का निर्माण किया है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करेगा, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष प्रकार के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा। ओके बेटा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, एक आदमी बनाएगा, एक जानवर बनाएगा, एक पेड़ बनाएगा, ठीक है ना? ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, ठीक है ना? तो ये सीक्वेंस बेटा अपन हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, या इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि इस प्रकार से जैसे हमारा बहुत सारा सेल मिल करके एक टिश्यू का निर्माण किया है, वैसे ही बहुत सारा टिश्यू आपस में मिल करके हमारा एक ऑर्गन का निर्माण करेगा, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है आपस में मिलकर के किसी पार्टिकुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, कुछ इस तरीके से। हम लोग बेटा अभी डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना? अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टिश्यू के बारे में, और इसका डिफिनेशन हम लोग समझ गए हैं कि टिश्यू कुछ और नहीं, अ ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ओरिजिन सिमिलर हो, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, जिसका फंक्शन सिमिलर हो। ओके बेटा, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है ना? तो चलिए जी, इस पॉइंट को अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भैया इस चैप्टर में केवल हम लोग एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील एनिमल टिश्यू। ओके बेटा, हम लोग इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, केवल एनिमल टिश्यू के बारे में। चलो जी, अभी तक जो हमने बताया इसमें किसी को कोई दिक्कत?
अब तक मैं किसी को कोई दिक्कत आया ना, चैट बॉक्स में बताना मुझे, अब तक मैं किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बेटा बताना मुझे, अभी तक मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ओके सर, चलो ठीक है। कैब तुम्हारा बहुत पीटेंगे तुमको, लेट से आते हो बोलते हो सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए, कहाँ थे इतना देर। चलो कोई नहीं, आज से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपीट करने का समस्या ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, अपना चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले अपन हेडिंग करते हैं एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ओके बेटा, ध्यान है ना, अगर हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात करें तो बेसिकली बेटा हम लोग क्या देखते हैं, एनिमल टिश्यू जो है ना अपना, वो चार प्रकार का है, आप याद रखेंगे इसको। ओके, एनिमल टिश्यू अपना चार प्रकार का, कौन कौन सा है मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। चार पार्ट नहीं बुद्धू, चार प्रकार, ठीक है ना, चार तरीके का है। पहला जो हमारा है उसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। ओके बेटा, जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तीसरा जो है बेटा अपना वो है मस्कुलर टिश्यू। वेरी गुड बेटा, तीसरा जो है उसको मस्कुलर टिश्यू के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं। वेरी गुड बेटा। ओके, और जो लास्ट हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू, या न्यूरल टिश्यू भी बोल सकते हैं, नर्वस टिश्यू के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पे अगर हम लोग बात करें बेटा जी एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग आसानी से इसको इतने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है वो कौन कौन सा है बेटा। सबसे पहला हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, ओके, फिर हमारा कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हमारा आ गया मस्कुलर टिश्यू, और फिर हमारा है मोनोस टिश्यू, ठीक है ना। ये चार प्रकार का टिश्यू जो हमारा है वो होता है, ठीक है ना, ये चार प्रकार का। ध्यान दो, सबके वर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। एक मिनट वेट करूंगा। हाँ देखो, यहाँ पे ईपी, ईपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है ना, और थैलिया का मतलब होता है लेयर, ठीक है ना। कोई चीज कोई लेयर के ऊपर में रखा हुआ होगा ना सेल, तो उसको हम लोग बोलेंगे ईपी थैलिया। थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझने के लिए। ईपी का मतलब होता है ऊपर, किसके ऊपर, तो किसी लेयर के ऊपर, इसकी पहचान है। अभी वर्ड को केवल याद है। कनेक्टिव, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाला, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने वाला, कनेक्टिव उसको बोलेंगे हम लोग। मसल्स, मस्कुलर पता ही आपको, मांसपेशी हमारा, और नर्वस जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं वो वाला ना। तो हमें इसके बारे में बेटा आइडिया है थोड़ा थोड़ा, इस चारों टिश्यू के बारे में। एक मिनट में कॉल, टिश्यू। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, क्लास में अभी ठीक सॉरी बेटा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये चार प्रकार का हमारा है, एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, ठीक है ना, और उसके बाद हमारा न्यूरल है। हम लोग आसानी से इसको पहचान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता, ठीक है ना, इस चारों को आसानी से पहचान सकते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग एम्ब्रायनिक टिश्यू के बारे में जानते हैं क्या, क्या कभी आपको हम लोग, हमने एम्ब्रायनिक टिश्यू के बारे में बताया है, हाँ या ना, केवल बता दू एम्ब्रायनिक टिश्यू, नहीं ना। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं बता दू। ओके बेटा, चलो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, बर्दाश्त करना। तो ध्यान दो, हम लोगों को बेटा पता है ना कि हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों का जो शरीर बनता है वो कैसे बनता है, पापा जी का स्पर्म ना, ये पापा जी का स्पर्म है मान लो, ठीक है ना, और ये है मम्मी का ओवम, है ना, ये मम्मी का ओवम है, और पापा का स्पर्म और मम्मी का ओवम जो है आपस में जुड़ता है ना, और जुड़ने के बाद जो संरचना बनता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, याद करो, इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, है ना बेटा, इसको हम लोग जाइगोट के नाम से डिस्कस करें। ओके बेटा, चलो ठीक है, इसको हम लोग जाइगोट के नाम से डिस्कस करें। और इंटरेस्टिंगली क्या होता है पता है बेटा,
ये जाइगोट हम लोग जो माँ की गर्भ के अंदर में होते हैं, जैसे ये जाइगोट बनता है ना, इस जाइगोट में बहुत तेजी से डिवाइड होता है, ठीक है ना। इसमें रैपिड माइटोसिस होगा, इक्विटेशनल डिवीजन, ठीक है ना। और ये जो रैपिड तेजी से होने वाला माइटोसिस है उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं इसके बारे में, क्लीवेज। ओके, हम लोग इसको क्लीवेज के नाम से डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, रैपिड माइटोसिस होने वाला है उसको क्लीवेज बोलेंगे। और क्लीवेज के कारण क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे छोटे 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 सेल बन जाते हैं। सामान्यतः इसकी संख्या जो होती है वो 16 होती है, ठीक है ना। और ये छोटा छोटा जो सेल है, बहुत छोटा छोटा सेल, ठीक है ना, पूरा मिला करके अभी भी इसका जो साइज है ना वो जायगोट के इतना बड़ा ही होता है, ठीक है ना। और इसको बेटा हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोरूला। क्या बोलेंगे? मोरूला, MORUL। तो जाइगोट डिवाइड करके माइट क्लीवेज करके क्या बनाता है? मोरूला बनाता है। ओके, और ये सब कहाँ पे हो रहा है? माँ के गर्भ के अंदर में हो रहा है, मम्मी का जो वॉक होता है उसमें हो रहा होता है, ठीक है ना। और बेटा जब ये मोरूला बन जाता है ना, तो तुम क्या देखोगे इंटरेस्टिंगली, इसके जो छोटे छोटे सेल जो है ना वो कुछ इस तरीके से फैलना शुरू हो गया, और फैल के छोटे छोटे सेल जो है इसके एक लाइन में आकर के खड़ा हो गया है। और तुम तो कॉमन चीज है, तुम सोच सकते हो अगर एक लाइन में ये सेल सिंगल लाइन में अगर आकर के खड़ा हो गया होगा तो ये बहुत बड़ा बन गया होगा, है ना, बहुत बड़ा बन गया होगा। और इसके बीच में क्या होगा? बहुत ज्यादा स्पेस बचा रह गया होगा, है ना बेटा, ऐसा बन गया होगा। यहाँ पे जो गड्ढा है जो बीच में बन गया है, इस गड्ढा को हम लोग बोलेंगे कैविटी। और ये जो सिंगल जो हमारा सेल के लेयर वाला जो बड़ा सा बॉल के जैसा, प्लास्टिक के बॉल के जैसा संरचना बन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ठीक है ना। और ये जो ब्लास्टुला है उसमें जो गड्ढा बना, इसको हम लोग बोलते हैं वाले हैं ब्लास्टोसील। वर्ड पे ध्यान देना, समझना मेरी बात, सील का मतलब याद रखना, बहुत काम आएगा बेटा आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सब मैं बता रहा हूँ। ब्लास्टुला के अंदर में जो गड्ढा होता है ना, इस गड्ढा को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। सील का मतलब ही होता है गड्ढा, ठीक है ना। कहीं पे अगर ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो समझ लेना इसका मतलब हो गया गड्ढा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्लास्टुला बनता है। ओके बेटा, इस ब्लास्टुला से बच्चा कैसे तैयार होता है वो मैं तुमको बताता हूँ, समझना मेरी बात। तुम देखोगे क्या कि ये जो ब्लास्टुला है ना, थोड़े दिनों के बाद इस ब्लास्टुला में तुमको लगेगा, जैसे नहीं होता है हम लोग फुक्का जो होता है, बैलून जो होता है उसको फुलाते हैं, और फुलाने के बाद उसको अंदर में उंगली लगा कर उसका शेप बना देते हैं। कभी तुम फुक्का का शेप बनाए हो, बैलून का शेप? हाँ या ना, बताना। इस तरीके से बैलून था, यहाँ पे तुम रस्सी से बांधे हुए हो, उसे जबरदस्ती अंदर में करके इस तरीके से और यहाँ पे बांध देते हो, कभी बनाए हो? ओके, बनाए हो, चलो तब तो पता हो, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से नेचर के अंदर में क्या होता है, प्रकृति में जब हम माँ के गर्भ में के अंदर में होते हैं, माँ की वॉक के अंदर में होते हैं, ब्लास्टुला का भी जो फुक्का के जैसा संरचना ही बनता है। कैसा मैं बताता हूँ, होगा क्या, किसी एक तरफ से ये ना अंदर में धंसने लगता है, ठीक है ना। और जब धंसने लगेगा ना तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होने लगेगी, ये लंबा होने लगता है। ओके बेटा, ये लंबा होने लगता है कुछ इस तरीके से। और जब लंबा होने लगेगा ना तो यहाँ पे देखोगे क्या, एक सेल का लेयर यहाँ चला गया, ठीक है बेटा, और दूसरा सेल का लेयर अभी भी ऊपर, दो सेल का लेयर यहाँ पे हो, है ना बेटा। थोड़ा और इसको होने देते हैं, थोड़ा और होने देंगे तो ध्यान देना तुम्हें पता चलेगा कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है ना, इसका नली जो है कुछ इस तरीके से ये हो गया, ऐसा ये अंदर में लेयर धंसता चला गया है। समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बेटा, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से धसता चला, ठीक है ना। और जब धसता चला जाएगा तो तुम अंदाज लगा सकते हो कि सर इधर तो यहाँ पे छेद बन जाएगा, नली बन जाएगा, यहाँ पे तो नली बन जाएगा, है ना बेटा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा अपना नली, समझना, यहाँ पे नली बन जाएगा। और तुम पता है ये नली जो है, ये छेद जो है किसने बना है? ब्लास्टुला में बना है। क्योंकि ब्लास्टुला में ये छेद बना है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला का छेद, ठीक है ना, या इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टो। शब्द पे ध्यान दो, पोर का मतलब होता है छेद। ब्लास्टुला में होने वाला जो छेद होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग नाम देने वाले हैं ब्लास्टोपोर। तुम शब्द पे केवल ध्यान दो, ब्लास्टो, ब्लास्टुला में होने वाला जो पोर होता है
जो छेद होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोफोर छेद, ठीक है बेटा। और इस तरीके से जब ब्लास्टोफोर यहाँ पे बन जाएगा तो तुम क्या देख रहे हो, दो सेल का लेयर हो गया, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, है ना बेटा। चलिए जी, दोनों अंदर वाले और बाहर वाले सेल लेयर को हम लोग नाम देते हैं, ठीक है ना बेटा। जो ये अंदर वाला है, मेरा मन है इसको हम लोग बोल देते हैं अंदर, अंदर को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं इंडो, ठीक है ना। कहीं पे भी इंडो लिखा हुआ होगा उसका मतलब क्या होगा, अंदर, ठीक है ना। और जो कि ये बाहर वाला लेयर है इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इक्टो, इक्टो का मतलब होता है बाहर, एक्जो नहीं, यहाँ पे बोलेंगे बेटा इक्टो, एक्जो भी सही है लेकिन यहाँ पे एक्जो नहीं बोलेंगे, इक्टो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इक्टो, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक तो हमारा लेयर अंदर वाला हो गया, दूसरा लेयर हमारा बाहर वाला हुआ। जो अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे एंडो डर्म, ओके बेटा। डर्मा का मतलब होता है लेयर, ठीक है ना। अंदर का जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे इंडो डर्म, ओके बेटा। और जो बाहर में है उसको हम लोग बोलेंगे इक्टो डर्म, ओके बेटा। तो इस आधार पर हम लोग देख क्या रहे हैं, दो प्रकार का हमारा हो गया, एक इंडो डर्म हो गया और दूसरा जो हमारा है वो इक्टो डर्म हो गया। वर्ड पे हम लोग ध्यान देते हैं फिर से, इक्टो का मतलब होता है बाहर वाला और इंडो का मतलब होता है अंदर वाला, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडो का मतलब होता है अंदर, ओके, और इक्टो का मतलब होता है बाहर। अच्छा बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कौन सा लेयर पहले बना है, इक्टोडर्म या एंडोडर्म, तो क्या बोलेंगे आप, चैट बॉक्स में बताइए तो कौन सा लेयर पहले बना है, इक्टो या एंडो। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। सबसे पहले इक्टो बना है फिर इंडो, है ना बेटा। चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त करना, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, तुम लोग बर्दाश्त करना, ठीक है ना। देखो ये इक्टो और इंडोडर्म तो बन ही जाता है, हम लोगों में, हम लोग एडवांस एनिमल है ना, तो हम लोगों में तो एडवांस चीजें होंगी, है ना। हम लोगों में एक एडवांसमेंट और देखने को मिलता है, वो एडवांसमेंट क्या है बेटा, चलिए मैं उसको बताता हूँ। हम लोग अगर देखें तो हमारे अंदर में एडवांसमेंट एक जो आपको दिखने वाला है वो क्या है, ध्यान दीजिए, आपको दिखेगा ये इक्टो इंडो तो हम लोगों में बना ही बना है, ठीक है ना। और जब इक्टो इंडो बन जाता है ना, तब तक में ये नली यहाँ पे सट जाती है इधर, ठीक है ना। तब तक में क्या होता है, ये इक्टो और इंडो के बीच में होता क्या है, एक और लेयर बन जाता है, ठीक है ना, ध्यान देना। कुछ इस तरीके से इक्टो और इंडो के बीच में कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लेयर बन जाएगी। और चूंकि ये इक्टो और इंडो के बीच में है, ध्यान देना, इक्टो और इंडो के बीच में है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मेजो, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे मेजो डर, ठीक है बेटा। वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड पे फोकस करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके बेटा। यहाँ पे मेजो का मतलब होता है बीच में, क्योंकि इक्टो और एंडोडर्म के बीच में ये आ गया है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बीच वाला लेयर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मेजोडर्म, ओके बेटा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या क्या आया, बाहर में हमारा है इक्टोडर्म, ओके बेटा। अंदर में जो हमारा है वो आ गया इंडोडर्म, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना, इंडो डर्म, ओके। और सबसे ऊपर में हमारा एक्टोडर्म तो है ही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देखे, तीन लेयर यहाँ पे बनता है, एक्टो इंडो और मेजोडर्म, है ना बेटा। और यही तीनों लेयर जो है ना असल में हमारे शरीर के अलग अलग भाग को बनाता है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है ना, जितने भी हमारे शरीर का डेवलपमेंट हुआ है, या तो इक्टो से हुआ होगा, या तो इंडो से हुआ होगा, या तो मेजो से हुआ होगा, यही तीनों ऐसा हमारा लेयर है, ऐसा लेयर है बॉडी का जो हमारे शरीर का निर्माण, ठीक है ना, यही तीनों हमारे शरीर का निर्माण करता है। और ये जो संरचना हमारा बना, अब जिसको बेटा हम लोग विशेष नाम से जानेंगे, इस संरचना को हम लोग अब बोलने वाले हैं, पहला था हमारा मोरला, उसके बाद बना था ब्लास्टुला, ठीक है ना, और तीसरा जो हमारा है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, ठीक है ना। और इस तरीके से हम लोग क्या देखने वाले हैं, गैस्ट्रुला में तीन लेयर बन जाता है, इक्टो इंडो और मेजोडर्म। चूंकि गैस्ट्रुला हमारा एक भ्रूण है, एम्ब्रायो है,
और इस एम्ब्रायो में तीन लेयर बना है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायनिक जर्मिनल लेयर। ठीक है बेटा, इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं एम्ब्रायोनिक जर्मिनल लेयर। एम्ब्रायो मतलब भ्रूण, एम्ब्रायोनिक क्या बोलने वाले हैं हम लोग, जर्मिनल क्या बोलेंगे, लेयर। ओके बेटा, एम्ब्रायोनिक जर्मिनल लेयर। तो बेटा जी अगर आपसे कोई पूछे कि इंसान में ह्यूमन में एम्ब्रायोनिक जर्मिनल लेयर कितने हैं तो क्या बोलोगे, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, 5 या 7? ह्यूमन में एम्ब्रायोनिक जर्मिनल लेयर कितने हैं? ओके वेरी गुड, 3। अगर पूछे सबसे पहले कौन सा एम्ब्रायोनिक जर्मिनल लेयर बना तो कौन सा बोलोगे तुम, सबसे पहले कौन सा बना है बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में। ओके एक्टो, उसके बाद कौन सा बना है बेटा, उसके बाद एक्टो के बाद कौन सा बना, इंडो। वेरी गुड, इंडो। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन बना है, सबसे लास्ट में कौन बना है बेटा, वेरी गुड, सबसे लास्ट में बना है हमारा मेजोन ना। तो ये 3 जर्मिनल लेयर जो हमारा है यहाँ पे, हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा बना है, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर एम्ब्रायो की बात करें, भ्रूण के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले भ्रूण का नाम क्या है बेटा, सबसे पहला भ्रूण कौन सा, मोरूला। वेरी गुड, उसके बाद वाला भ्रूण कौन सा है बताना मुझे, उसके बाद वाला, वेरी गुड बेटा, उसके बाद वाला है ब्लास्टुला, है ना। और उसके बाद कौन सा है, तीसरा कौन सा है बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में बता। वेरी गुड सलीहा, वेरी गुड बेटा, तीसरा वाला कौन सा है बेटा जी, गैस्ट्रुला। वेरी गुड बेटा, गैस्ट्रुला, ये सबसे लास्ट। 3 जर्मिनल लेयर किसमें दिखता है, मोरला में, ब्लास्टुला में या गैस्ट्रुला में, तीनों जर्मिनल लेयर किसमें दिखेगा, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, गैस्ट्रुला में। वेरी गुड बेटा, चलिए इसके बारे में एक पॉइंट लिख देते हैं, एम्ब्रायनिक जर्मिनल लेयर के बारे में, फॉर्म्स बॉडी पार्ट, ठीक है ना। हमारे शरीर का जो पार्ट है उसका निर्माण यही तीनों जर्मिनल लेयर, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चलता है गैस्ट्रुला में इक्टो इंडोर मेरोडर्म जो है ना, वही हमारे शरीर का निर्माण। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि भाई साहब ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि यही तीनों बनाता होगा, लेकिन कौन कौन बनाता है बताइए तू। अगर हम लोग बात करेंगे कौन किससे बनता है तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम देखोगे क्या, जनरली एपिथेलियल टिश्यू जो है ना सबसे बनता है, कहीं कहीं पे तुम देखोगे इक्टो से भी बन जाता है, कहीं कहीं पे तुमको मेजो से बनता हुआ दिखाई देगा, और कहीं कहीं तुमको इंडो से भी बनता हुआ दिखाई, इस तीनों से बनता है। जबकि कनेक्टिव टिश्यू को तुम देखोगे तो ये केवल और केवल मेजोडर्म से ही बनता है, केवल और केवल मेजोडर्म से ही बनता है। वैसे ही अगर तुम इसको देखोगे मस्कुलर टिश्यू को तो ये भी केवल और केवल मेजोडर्म से ही बनता है। जबकि अगर नर्वस टिश्यू को देखोगे ना बेटा, तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये हमारा किससे बनता है, इक्टोडर्म से बनता है, ठीक है ना, इक्टोडर्म से बनता है। तो इस आधार पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को याद रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है, ध्यान देना, ये चीज ध्यान में रखना है कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू इस तीनों से बनता है, कनेक्टिव टिश्यू केवल मेजो से बनता है, मस्कुलर टिश्यू केवल मेजो से बनता है, और जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो केवल इक्टो से बनता है। ओके बेटा, तो ये मुझे बताओ अभी तक जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, चैट बॉक्स में मुझे बताना, एनीबडी किसी को भी बताना। ओके वेरी गुड, एक्सलेंट। पेज नंबर कितना होगा बेटा बता, ये पहला पेज है या दूसरा पेज है, चैट बॉक्स में बताना। ओके चलो ठीक है, सेकंड पेज है हमारा। ओके जी वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना मेरी बात अच्छे से समझना, एपिथेलियल हमारा, अच्छा अब पढ़ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ ना, एनिमल टिश्यू हमारा जो है वो 4 प्रकार का, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ओके हाँ ध्यान देना, अगर हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो ईपी का मतलब होता है अपॉन, अपॉन का मतलब होता है के ऊपर, किसके ऊपर, तो थैलिया, थैलिया का मतलब होता है लेयर, किसी लेयर के ऊपर में रखा हुआ हो ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, इसकी पहचान है बेटा, ठीक है ना। क्या पहचान है, किसी विशेष प्रकार के लेयर के ऊपर में ये रखा हुआ होता है। भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है ये लेयर कौन सा है, तो ध्यान दीजिए असल में ये लेयर जो होता है
कुछ विशेष प्रकार का जो फाइबर है ना, जैसे हम लोग बैठते हैं चटाई बिछा करके, वैसे ही कुछ विशेष प्रकार के फाइबर जो होते हैं ना, इस तरीके से आकर के जमा हो जाते हैं, नीचे चटाई बना देते हैं, ठीक है ना। और ये जो चटाई है बेटा, इस चटाई को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, असल में इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो हमारा लेयर है ना, ठीक है ना, इसी लेयर के ऊपर में हमारा एपिथेलियल टिश्यू कुछ इस तरीके से बैठा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। हमारा एपिथेलियल टिश्यू इसी तरीके से इस पे ऐसे इस प्रकार से बैठा हुआ आपको मिल सकता है। ओके बेटा, मैं भी बना देता हूँ, सब क्लियर क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ऊपर में बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स कहाँ बैठे हुए बेटा? ये जितने भी सेल्स हैं बेटा, ये सारे के सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम का एक लेयर है, उस लेयर के ऊपर में बैठा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू कहने के पीछे कारण जो हमारा है वो यही है, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर के ऊपर में, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में ये बैठा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, क्या इसको हम लोग बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग नाम देने वाले हैं कि ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ओके, 1 मिनट। ओके, कुछ इस तरीके से संरचना जो है यहाँ पे हमें दिखने वाली है। ओके बेटा, ऐसी संरचना है हमें यहाँ पे दिखने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सेल्स है ना बेटा, ये जो सेल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली सेल्स जो मैं दिखा रहा हूँ, असल में ये सेल है एपिथेलियल सेल। इस सेल को हम लोग क्या नाम देंगे? इस सेल को हम लोग बोलेंगे एपिथेलियल सेल। ओके बेटा, और ये जो एपिथेलियल सेल जिस लेयर पे बैठा हुआ है बेटा जी, उस लेयर को हम लोग नाम देने वाले हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, इसी एपिथेलियल सेल की पहचान है। कहीं पे अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख जाए तो बिना कुछ सोचे समझे उसको हम लोग बोलेंगे भैया ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू ना। तो बोल सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हमारा है ये क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। बोल सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके आधार पर हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू है। जिसमें नहीं होगा बोल देंगे हमारे एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। और क्या, कहीं पे भी तुम किसी टिश्यू को उठा करके ले आओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है तो बोलोगे नहीं है, तो और क्या, सिंपल है ना। चलो, उसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ध्यान देना, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से हो सकता है? हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम एंडोडर्म से बने, है ना बेटा, एंडोडर्म से बना। हो सकता है कि वो बने फ्रॉम मेजोडर्म, हो सकता है, या हो सकता है कि उसका निर्माण हुआ हो फ्रॉम इक्टोडर्म, इक्टोडर्म इससे भी उसका निर्माण हो सकता है। तो बेटा इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर इसका निर्माण इंडोडर्म से हुआ है ना, तो ऐसे इपिथिलियम को हम लोग नाम देंगे इंडोथेलियम, क्योंकि इंडोडर्म से निर्माण हो रहा है, ठीक है बेटा। इसी कारण से ऐसे एपिथेलियम को हम लोग नाम देने वाले हैं इंडोथेलियम, ठीक है ना। इसको हम लोग इंडोथेलियम के नाम से डिस्कस करेंगे। जबकि अगर ऐसा हो कि इसका निर्माण मेजोडर्म से, ठीक है बेटा, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं मेजोथेलियम, मेजोथेलियम कहाँ से बन रहा है वो तुमको ध्यान देना है, अपने आप तुम समझ जाओगे क्या नाम दिया जाए इसका, ठीक है ना। इस रिलेशन को क्या नाम दिया जाए, आसानी से आप पहचान सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, आपको देखते रहना है किससे वो बना, ठीक है ना। अगर इक्टोडर्म से बना तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्टोथिलियम, या हम लोग इसको इपिथिलियम बोलते हैं, सॉरी। अगर इक्टोडर्म से हो ना, तो इसको हम लोग नाम देने वाले हैं इपिथिलियम, इपिथिलियम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो पता चलता है ये 3 प्रकार का हमारा इंडोथेलियम है, मेजोथेलियम है, और हमारे जो एपिथेलियम है उस नाम से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो कुछ और भी चीजें मैं आपको बता दूं, ध्यान देना। अगर हम लोग एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे तीनों से बनता है,
तीनों से बनने का मतलब समझ रहे हो, तीनों से बनने का मतलब ये है कि ये बहुत सिंपल टाइप का होगा, क्योंकि ये सिंपल टाइप का इसलिए तो कोई भी हमारा एम्ब्रायोनिक टिश्यू बना लेता है, इक्टो भी बना लेता है, इंडो भी बना लेता है, मेजो भी बना लेता है ना। तो बोल सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एनिमल टिश्यू है हमारा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो हमारा एपिथिलियम है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्या है, एनिमल टिश्यू है, ठीक है ना। एपिथिलियम टिश्यू इज सिंपलेस्ट, पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं, और सबसे पुराना भी है एंड मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है ना। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। एक तो सिंपल है और दूसरी बात है ये सबसे पुराना टाइप का एनिमल टिश्यू के रूप में इसको जाना है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो गया कि एपिथेलियम जो हमारा है ना वो सबसे सिंपल है और सबसे पुराना टाइप का है, क्योंकि किसी से भी बन सकता है, और देखेंगे तो हमारे बॉडी में लगभग हर एक जगह पे ये पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो अभी तक जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? रियाज बहुत सारे प्रकार का ये होता है, अभी और डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो बेटा आज हम लोग यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, अगले क्लास में इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।